किसी यूनिट चार्ज को 2.3 से 6.7 भेजा जाए तो कितना चेंज इन पोटेंशियल होगा, ये हमें फाइंड करना है। चेंज इन पोटेंशियल पूछा जाए तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि हमने इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट कितना चार्ज शिफ्ट किया है। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में हमें चार्ज शिफ्ट करना है इनिशियल से फाइनल, तो हम लोग डेल्टा बी की फील्ड वाली डेफिनेशन यूज करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। कैसे डिफाइंड है? माइनस वर्क डन बाई फील्ड और यूनिट चार्ज। वर्क डन के फर्दर हमारे पास इतने फॉर्मूले हैं जिसमें क्यूई की जगह ई यूज किया जाएगा क्योंकि यूनिट चार्ज के लिए डिस्कशन है। फील्ड कॉन्स्टेंट है यानी ई एक्स ई वाई, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में जो फील्ड कॉम्पोनेंट है वो कॉन्स्टेंट है, तो सबसे आसान फॉर्मेट कॉन्स्टेंट वाले, और क्योंकि वेक्टर फॉर्म में है फील्ड तो हम लोग वेक्टर फॉर्म वर्क डन का यूज करेंगे, यानी ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ये हमें लगाना चाहिए। वेक्टर फॉर्म में है फील्ड भी और डिस्प्लेसमेंट भी। फील्ड रख दिया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इनिशियल से फाइनल विल बी 6-2 यानी 4i कैप, 7-3 4 जे कैप, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये -20 वोल्ट आ जाएगा, जूल पर कूलाम या वोल्ट। चेंज इन पोटेंशियल या पोटेंशियल की ये दो यूनिट है। दिस इज वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अगर किसी एक जगह का पोटेंशियल मैं दे दूं, मैंने कहा इनिशियल पोटेंशियल अगर 10 जूल है तो फाइनल बताओ, और अब मैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, अगर किसी एक जगह का पोटेंशियल 10 वोल्ट दे रखा है तो फाइनल पोटेंशियल विल बी -10 वोल्ट। इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड में x कंपोनेंट 2x है, y कंपोनेंट 3y² है, यानी इसका ex और ey दोनों ही वेरिएबल है। दिस इज ex एंड दिस इज ey, और वेरिएबल है तो हमें इन दो में से कोई फॉर्मूला चूज करना है, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला चूज करेंगे। फिर से यार इसको इनिशियल से फाइनल शिफ्ट किया गया है, और हमें इस शिफ्टिंग के दौरान चेंज इन पोटेंशियल की बात करना है, तो क्योंकि फील्ड का फोर्स दिया है तो हमें डेल्टा वी लाने के लिए माइनस वर्क डन बाई फील्ड यूज करना चाहिए। डेल्टा वी ला रहे हैं तो वर्क डन यूनिट कूलम के लिए, फील्ड वेरिएबल है तो ये वाला फॉर्मूला हमें चूज करना है, ई की जगह आएगा। ds वेक्टर का मतलब है dxi कैप, dyj कैप, dzk कैप। फिलहाल 2d वेक्टर है तो dzk कैप लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ बेसिकली दो इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होना है, और लिमिट 2 to 6 एक्स में, 3 से 7 वाई में। तो ये हमारा चेंज इन पोटेंशियल का आंसर है। अब अगर वी इनिशियल दिया जाए तो हम वी फाइनल की बात कर सकते हैं। लेट अस से वी इनिशियल 10 वोल्ट दिया है तो हम लोग वी फाइनल ला सकते हैं। यहाँ वी फाइनल का आंसर आएगा -338 वोल्ट।